विश्व भर में शुक्रवार को ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार प्रभु ईसा मसीह ने शुक्रवार के दिन ही अपने जीवन का बलिदान दिया था, इसलिए उनकी याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में भी गुड फ्राइडे मनाया गया। चर्च में मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। शिमला के क्राइस्ट चर्च की प्रीस्ट विनीता रॉय ने कहा कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु की शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। सर्विस हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन कलवरी के क्रूस पर इज़राइल में जेरूसलम में मोरिया पर्वत के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान दिया था, पूरे मानव जाति को, पूरी ह्यूमैनिटी को पापों से छुटकारा देने के लिए, पापों से बचाने के लिए। हम खुदावंत को आज के दिन आराधना देते हैं, उनका थैंक्सगिविंग ऑफर करते हैं, प्रेयर्स देते हैं, क्योंकि उनका ये संदेश था क्रूस पर से। उन्होंने जो कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और क्योंकि तमाम मानव जाति जो पाप के अंदर थी उनको बचाने के लिए उन्होंने जो अपने जान बलिदान की। और उन्होंने कहा कि मनुष्य को नहीं पता कि ये किस तरीके से पाप में गिरते जा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि इन्हें क्षमा कर दो। ये शांति का और प्रेम का संदेश खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर से दिया, और इसी संदेश को आज कलीसिया भी धन्यवाद देते हुए आज यहाँ पर हम लोग स्पेशली जो ट्रेडिशनल वे होता है वर्शिप सर्विस का, सेवन सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द क्रॉस, हम लोग उस पर आज मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे, और उसके ऊपर ही हमारा ध्यान चिंतन आज का रहेगा। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।